हम देखे तो पाते हैं कि जहां सात मई के समय में देश में प्रतिदिन चार लाख चौदह हजार उस गति से केसेज आ रहे थे वह घटते घटते बारह मई को जिस तरह साढ़े तीन लाख से कम केसेस सत्रह मई को वह घटते हुए करीब तीन लाख से कम केसेस होते हुए और चौबीस मई ऑनवर्ड्स हमने देखा कि वह ढाई लाख से भी कम होते होते आज हम एक वेरी पॉजिटिव ट्रेंड पाते हैं जब हम देखते हैं कि देश में पिछले 24 घंटे में एक लाख सत्ताईस हजार केसेज रिपोर्ट हुए हैं यानी कि 28 मई से अगर हम देखें तो देश में प्रतिदिन दो लाख से कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं यह अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि करीब 69 नाइन अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी नाइन अराउंड सेवेंटी परसेंट केसेज में हमारे जो डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे उसमें हमने कमी पाई है हमने ये भी देखा है कि उनतीस स्टेट ऐसी हैं जहाँ अब केसेज जो रिपोर्ट हो रहे थे कम होते होते पाँच हजार से कम केसेस प्रतिदिन की संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है जो इंडिकेट करता है कि ओवरऑल दर इज अ डिक्लाइन ऑफ इन्फेक्शन इन द कंट्री इसी तरीके से अगर हम देखें कि कितने जिले ऐसे हैं जो कि सौ से अधिक केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं तो जैसे अट्ठाईस अप्रैल से चार मई वाले सप्ताह में देश में पाँच ऐसे जिले थे वह तीन सप्ताह में घटते घटते दो जिले रह गए हैं यानी कि 236 जिले ऐसे हैं जहां पर कि ओवरऑल केसेस में एक मार्क डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है हमारे लिए जरूरी है कि हम इंश्योर करें कि जो एक्टिव केसेस हम उनको मॉनिटर करें एक्टिव केसेस जैसा आप लोगों को पता है वह केसेस हैं जो या तो होम आइसोलेशन में या मेडिकल केयर सीख कर रहे हैं देश में दस मई के समय पर जहाँ पर करीब सैंतीस लाख एक्टिव केसेस थे वह घटते-घटते हमने देखा कि करीब 30 लाख से कम हुए 22 मई को और अब 1 जून में हम देखते हैं कि वे 18.95 लाख केसेस रह गए हैं जिससे कि हमारे ओवरऑल हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन भी कम हुआ है और हमने देखा है कि अब हमारे ये केसेस करीब 50% प्रतिशत एक्टिव केसेस देश में कम हो गए हैं एक्टिव केसेस जहां की देश में 17.13% थे ऑन 3rd ऑफ मई वह घटते-घटते अब केवल 6.73% रह गए हैं एक्टिव केसेस में पिछले तिरालीस दिनों से उन्हें रेगुलर बेसिस हम एक डिक्रीज पा रहे हैं और इस बार के दिन में देखें तो आज करीब 1.3 पॉइंट लाख एक्टिव केसेस में डिक्रीज एक दिन में नोट किया गया है इसी तरीके से हम अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूड बेसिस पर एक्टिव केसेस में डिक्लाइन भी नोट किया जा रहा है जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है एंड जरूरी है कि उसी गति से स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फील्ड लेवल पर हमारा कार्य कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में चलता रहे जैसे कि मैंने आपको बताया कंटिन्यूड बेसिस पर हम पा रहे हैं कि हमारे रिकवर्ड केसेज आर गेटिंग रिपोर्टेड मोर देन द डेली केसेज विच आर गेटिंग रिपोर्टेड देश में मुख्य फोकस इन टर्म्स ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेज इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोटोकॉल जिसकी वजह से हमने अपनी रिकवरीज में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है जहां तीन मई के समय में देश में टोटल रिकवरीज वर अराउंड 81.7 परसेंट वह बढ़ते बढ़ते अब 92 परसेंट हो गई है पचपन दिनों में हमने देखा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड देश में नोट किया गया है और बत्तीस स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर रिकवरीज आर मोर देन द डेली केसेज रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है इसी तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि कंसिस्टेंट हमारा रिकवरी रेट भी जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया है जहां तीन मई के समय में एट्टी वन पॉइंट एट परसेंट था वह बढ़ते बढ़ते नाइनटी टू पॉइंट हो गया है। साथ ही, हम इससे पहले भी देखते हैं कि अर्ली डिटेक्शन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफ स्प्रेड आईडेंटिफिकेशन तो जैसे कि इससे पहले भी हमने इस बारे में कई बार चर्चा की है कि जहां हमारा 16 से 22 फरवरी के समय में देश में ऑन एन एवरेज 7.7 लाख टेस्ट डेली किए जा रहे थे वह 2.7 टाइम्स बढ़ते हुए अब करीब 20 लाख प्लस टेस्ट हम डेली बेसिस पर देश में कर रहे हैं जहां एक स्थाई पर हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं वहां आप देखेंगे कि पिछले दो हफ्तों से ऑन एन एवरेज देश में बीस लाख से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं और हम लोग अब तक देश में टोटल 34.67 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं पिछले 24 घंटों में भी देश में अराउंड 19.25 लाख टेस्ट किए गए हैं इसी तरह से जब हम एक स्थाई पर टेस्टिंग बढ़ा रहे थे ताकि हम अपना अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस कर सकें टेस्टिंग कपल विद कंटेनमेंट से हमने पाया कि जहां देश की पॉजिटिविटी औसतन बढ़ते बढ़ते 21.38 हो गई थी वह पिछले तीन हफ्तों से कंटिन्यूट बेसिस पर एक डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है और ऑन एन एवरेज पिछले हफ्ते में देश में 8.31 परसेंट केस पॉजिटिविटी नोट की गई है इसी को अगर हम सेवन डेज मूविंग एवरेज पर यानी कि सात दिन का ट्रेंड अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जहां इससे पहले करीब एज हाईस्ट बाईस परसेंट के करीब देश में पॉजिटिविटी थी वह घटते घटते 8.64 परसेंट और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में केस पॉजिटिविटी इज एज लोएस सिक्स सिक्स परसेंट और यह पॉजिटिविटी पिछले सात दिनों से दस से कम देश में पाई जा रही है और साथ में देश में चौथी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं, जहां पर कि basis, हम इस ट्रेंड, इन इन डिक्रीज, पॉजिटिविटी को नोट भी कर रहे हैं जैसे कि मुख्यतः उत्तराखंड छत्तीसगढ़ झारखंड गुजरात मध्य प्रदेश दिल्ली बिहार तेलंगाना और यूपी में यह केस पॉजिटिविटी पिछले एक हफ्ते में पांच प्रतिशत से भी कम नोट की गई है इसी के साथ ही एक जो हमने स्टेट्स को गाइडेंस दी है एडवाइस दी है कि कम, हमें एफर्ट ये करने कि हमारी पॉजिटिविटी पाँच प्रतिशत से कम रहे तो उसको भी अगर हम ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि वीक एंडिंग सेवन्थ मे से वीक एंडिंग थर्टी फर्स्ट मे को अगर हम एनालाइज करें तो हाँ जहाँ देश में बा, नाइन्टी टू ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें कि पॉजिटिविटी पाँच प्रतिशत से कम थी वह बढ़ते बढ़ते अब तीन सौ चवालीस जिले हो गए हैं यानी कि दो सौ बावन जिले उसमें ऐसे ऐड हुए हैं जहाँ पर कि केस पॉजिटिविटी पाँच प्रतिशत से भी अब कम नोट की जा रही है